हाँ बोलिए सर, आप ये एड्रेस बता सकते हैं क्या सर? ये लीजिए सर, बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, आपको पता है? अच्छा ये हाँ क्या सर, स्ट्रेट जाके सीधा जाओगे ना? ओके सर, थर्ड लेफ्ट वहाँ से। हाँ उसके बगल में ही है। अच्छा उस तरफ है क्या? ओके ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। माफ कर देगा, देखता हूं। ए धनुष, मैं हूं यार सेधू। वो तो मुझे दिख रहा है पर क्या बोलूं ये नहीं समझ में आ रहा। प्लीज यार सिर्फ एक बार अर्जुन से मिलके चला जाऊंगा। ठीक है अब आ ही गया तो बैठ जा, मैं बुला कर लाता हूं। तुझसे मिलने कोई बहुत ही वीआईपी आदमी आया है। मुझे देखने के लिए वीआईपी आया है? कौन है? मैं बुलाता हूं तू खुद ही देख ले। सबको मेरे बारे में पता चल चुका है इसलिए सब मेरे से बचकर भाग रहे हैं। पूरे गांव में मेरी दहशत फैल गई है, लगता है सब लोग गांव छोड़कर ही भाग गए हैं। चलो एक तो दिखा। अरे भाई रुक जाओ, अरे सुनो तो सही, कहां भाग रहे हो? ये भी चला गया, बड़ी मुश्किल से मिला था। एक सेल्फी ही तो मांगी थी। अरे कोई तो आओ एक सेल्फी खिंचवाने के लिए, कोई है क्या? बस एक सेल्फी यार, कोई सुन रहा है क्या? एक सेल्फी खिंचवानी है प्लीज, कोई तो आ जाओ। अम्मा कोई है क्या? सुबह से भिखारी की तरह घूम रहा हूँ, कोई भी नहीं मिला। मैंने रुपए पैसे थोड़ी ना मांगे थे, एक सेल्फी तो खिंचवानी थी, कोई तो आओ प्लीज प्लीज। पता नहीं एक सेल्फी के लिए कितने चक्कर काटने पड़ेंगे मुझे। खाली अब तक कोई फंसा नहीं क्या? अरे आ जाओ इस गाँव में तो कोई नहीं है, एक सेल्फी खिंचवाते हैं। तू ही मेरा सच्चा दोस्त है यार। कैमरे में देखो। वो होगा, ये होगा, ये होगा। नहीं तो ये होगा या फिर वो होगा। 10 बड़ा पार्सल कर दो। 10 बड़ा ना? हाँ 9 10। भाई तुम्हारा पार्सल मेरे लिए भी एक बड़ा। खत्म हो गया? यहाँ रखे तो है? ये मेरे आदमियों के लिए है, मुझे चाहिए। अरे मेरे आदमियों को बड़ा चाहिए, मैंने कहा ना मुझे चाहिए। अरे छोड़ो क्या छोड़ कर दिया? ओ, 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 ओ। बड़ा गिर गया। बड़ा तो गिर गया, बड़ा गिर गया। तू सीखने वाला नहीं है, साइकिल ठीक से चला। चल उठा। अरे उठा, बोला ना उठा, सामने देख के चलाने के लिए बोला था ना। एकदम भैंस है तू, खाना पेट भर कर खाता है और साइकिल तक नहीं चला पाता है, नालायक कहीं का। चल ठीक से चला,
चल चला भाई 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 भाई। अरे उठा उठा भाई, क्यों छोटे बच्चे को ऐसे मार रहे हो? भैंस जितना बड़ा हो गया है ये जिंदगी में क्या करेगा, जिएगा कैसे? जब मेरे जैसा आदमी जी रहा है तो इसमें क्या कमी है? ये नहीं सुधरेगा, ऐसा मत बोलिए। चलो भाई मैं सिखाता हूँ तुम्हें। भाई देखा आपने अब वो कैसे साइकिल चला रहा है? पहले उस पर भरोसा रखो, फिर साइकिल तो क्या, वो प्लेन भी उड़ाएगा। वो देखो भाई कैसे साइकिल चला रहा है। नमस्ते, कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरा। आ तो गया ना भाई। क्या आ गया भाई? कहाँ गया था तू? क्या भैया? अरे कहाँ गया था? फ्रेंड के पास से आ रहा हूँ भैया। कौन सा फ्रेंड, कौन? हाँ तू कुछ गलत कर रहा है ना? ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैंने सब कुछ देख लिया है। क्या ये? कुछ नहीं है भैया, मैंने देखा है। निकालू? निकाल ना। क्या है ये? कह रहा था कुछ नहीं है भैया, मैंने कुछ नहीं किया। पता क्या ये? भैया भैया मैं जानता नहीं हूँ क्या? चल बुलाओ उसे। छोड़ दो ना भैया। बाहर। ए, कौन है बे? क्या हुआ, कौन चिल्ला रहा है? उससे क्या बात कर रहा है, मुझसे बात करना। ए, क्या दिया तूने इसे? जो भी दिया तुझे उससे क्या, ये सब हमारा मामला है और तू उसमें टांग मत अड़ा। तू यहाँ पे लड़कों को बिगाड़ रहा है, तू ठीक नहीं कर रहा। ज्यादा बात मत कर। बात करते वक्त हाथ क्यों लगा? आ ये यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए, मारो इसको। Let's go.
Hey, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, समाज को बिगाड़ रहे हो। हाँ, इन बच्चों को अच्छी बातें सिखाने की बजाय तुम इन्हें क्या दे रहे हो? समाज में जहर घोल रहे हो। तुम्हें मारना मेरा इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि तुम लोग समाज को बिगाड़ रहे हो। समझ गया ना? आज के बाद ये सब मत करना, मैं तुझसे फ्रेंडशिप करता हूँ। चला जा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अनाथ हूँ भाई, मुझे माफ कर दो। चला जा मेरे साथ। आ जा। आता हूँ। हाँ। आता हूँ भाई। तुझे रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना चाहिए ना, इतना ही ना? हाँ भाई, मैं तुझे दूंगा। चला जा। ठीक है भाई। आ। आज के संगठन की हेडलाइंस मैं बताता हूँ। संगठन का मुख्य समाचार सही है ना? ये भी ना। ए, सेल्फी, आज कितना रिकॉर्ड है? क्या बे, हमेशा तो तेरी शर्ट फटी रहती है, आज बड़ी नई सी लग रही है। रिकॉर्ड एक दिन जरूर बनेगा, ये नई शर्ट है, शर्ट तो कभी कभी फटती है। ये भी सही है ना? अच्छा फिर हम तो बात कर रहे हैं तो ये हमें घूर क्यों रहा है? नहीं, हमेशा अर्जुन जल्दी आ जाता है, आज कहाँ है पता नहीं, इसीलिए सोच रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ होगा? उसका फोन आया होगा, वो पॉजिटिव ब्लड की जरूरत पड़ी होगी, उसी के लिए वो गया होगा ना। बी ग्रुप होता अगर तो इसे बुलाया होता ना। ये भी सही है ना? ए, क्या बे, ABCD ब्लड ग्रुप बता रहे हो? कितनी बार ABCD ब्लड ग्रुप बताओगे? मेरा ग्रुप नहीं बताओगे क्या? ए, एनिमल्स का कोई ब्लड पूछता है क्या? वैसे तू छोटा एनिमल है ना, इसे काटूंगा तो पता चलेगा। ये भी सही है ना? अर्जुन नाम लेते ही आ गया, इसे कहते हैं हीरो। क्या हीरो? ए, फोटो में एकदम हीरो लगते हो। ये है हीरो, ये है हीरो, ये देख, ये भी हीरो है और तू भी हीरो है, जो भी अच्छा काम करता है वो सब हीरो हैं। अब दुनिया में जीने का मेरा कोई मतलब नहीं है। कितने साल रहे तेरे भरोसे में जी रहा था, तेरे भरोसे में जी रहा था। चल, ऐसा धोखा दे दिया तूने मेरे को, और तेरी वजह से मैं मरने जा रहा हूँ। मेरी हालत इतनी खराब हो गई है, तू भी खत्म और मैं भी खत्म। किसके लिए मर रहा है? प्यार के लिए मर रहा है? प्यार के लिए मरने वाले बेवकूफ होते हैं, बेवकूफ कहीं का। लड़की का दिल जीतने की हिम्मत नहीं है तुझमें, ये तो तुम लोगों से हो नहीं पाता है। और तुम्हारे घर वाले, जरा सोचो उनपे क्या बीतेगी, वो तो जीते जी मर जाएंगे। अगर प्यार ही जिंदगी है तो दुनिया में सारे आदमी मर जाएंगे और सिर्फ औरतें बचेंगी। उसे देख, आज उसकी शादी है, वो तो खुश है क्योंकि वो अपने माँ बाप के सामने खुश होने की एक्टिंग कर रही। लड़कियों जितनी हिम्मत तुम्हें है क्या? क्योंकि वो अपने परिवार के बारे में हमसे ज्यादा सोचती है और तुम लोग आत्महत्या करने निकल जाते हो। तुम सब स्वार्थी हो। लड़कियों जितनी हिम्मत तुम्हें कभी नहीं आ सकती है। ये कब से इतना बोल रहा है, कुछ समझा कि नहीं तुझे? ए, खड़े हो जा। अपने घर वालों के बारे में सोच, अपने माँ बाप के बारे में सोचा है तूने? घर का इकलौता लड़का है तू, क्यों ऐसा कर रहा है? वो लोग तेरे ही भरोसे पे जी रहे, उनका क्या होगा, सोचा है कभी? ए, वो तो उससे शादी करके खुश रहेगी, कितना अच्छा इंसान है तू। ए, मुझे देख, इस बंधन को रख के मैं नहीं जी रहा क्या? जीना मरना तो भगवान के हाथ में है, अपने पास नहीं। जिंदगी में भागते हाँ। रहना चाहिए। भाग रे भाग, चल भाग जा, चल भाग, चल भाग, भाग। ओ यारा, हार नहीं मानना, वो कर
क्या बात है छोटे, क्या हुआ? भैया उस तरफ नहीं जा सकते। क्यों? संस्कृति के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अंग्रेजों की जीन्स टी शर्ट मीडी और चूड़ीदार पहनकर पिज्जा बर्गर खाकर भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हो? करो भाई करो, भारत माता की जय और आप लोगों की तरक्की हो। ए, गाड़ी को राइट में ले लो। भैया ये क्या भर के रखा है सब दुकान में? गायब है, दिखता नहीं है क्या? अरे यार बैठ। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या भाई दुकान पे आने वालों से पूछोगे नहीं कि क्या चाहिए? कि जब से दुकान खोला है तब से आ रहे हो, जो कुछ मांगा वो सब मैंने दिया, कभी तुम लोगों को देने से मना किया है? जो मांगा वो दिया ही, बिन मांगे भी बहुत कुछ दिया है तुम लोगों को, उसका पैसा तो तुम लोगों ने दिया नहीं और ना ही दोगे। ये भी सही है ना, कितने मासूम हो आप, आपको जो भी पूछा आप सब दे देते हो। तुम लोग सुधरोगे नहीं। ये भी सही है ना। अरे तेरे लिए तो सब सही है। ये भी तो सही है ना। अरे छोड़ो यार, अब 3 महीने ही तो रह गए, 3 महीने इनको सताएंगे फिर अपने काम पे लग जाएंगे। हाँ मुझे धंधा करने दो। सही कह रहा भाई। ये सब क्या है बेटी? क्या माँ, उसको बोल के कुछ फायदा नहीं, इसकी शादी करा दो जल्दी से। क्या शादी की बात कर रहा है, अभी तो बच्ची है बेचारी, खेलने के लिए। हाँ रुक ना। मम्मी। अरे रुक रुक रुक, बीच में मत आओ, तुम्हारी लाड़ की वजह से ये देखो। अरे जाने दे बेटा, गलती से हो गया। गलती से करती हूँ। जा जा काम पे। छोड़ दो ना उसे। अरे गुस्सा है ना। ए, उठा के बाहर फेंक दूंगा, देख यार, ऐसे में एक सेल्फी तो बनती है। मार डालूंगा तुझे, देख लेना। ए, तू क्या देख रहा है? अरे यार वो शेरनी कहाँ है? जंगल में गई है, बाद में रोड पे आएगी। उसके साथ भी एक सेल्फी निकाली थी ना? क्यों निकालनी चाहिए थी ना? सही है, तभी ना? तो मजा आएगा। ए बैल, थोड़ी जगह दे, थोड़ी जगह दे। तो तू है, जा। यार बैलों के साथ नहाना पड़ रहा है मुझे। ये लो, ये भी आ गया, इसके साथ भी सेल्फी तो बनती है। हाँ है ना। आजा 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 आजा। तो क्यों, क्या बकबक चल रही है यहाँ? आजा तू भी अपने अंदर की गर्मी निकाल ले, पहले तेरे दिमाग की गर्मी उतारेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सही है ना। हाँ काइस के पास दिमाग है, इसीलिए माफ कर दिया। बुलावा आ गया इसका। अरे तुम लोग मिलकर मुझे भी एक पटाखे दोगे क्या? अरे क्या यार, ए, ये क्या कर रहा है? इसको नहाना नहीं है क्या? एकदम ही अजीब में बैल ही नहाते हैं। कौन आते ही इंसान बन गया ये? अर्जुन कुछ बोल के तो जा, ये फसल के पास जाके बोलेगा, चिड़िया के पास जाके बोलेगा, वो देख जा भी रहा है, जा रहा भी ना। जा हाँ जाके आ जाऊंगा भाई, छोड़ ना यार। ए वापस आएगा कि नहीं? आ जाऊंगा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? यार कुछ तो बिन बिन बोल रहे थे, मेरे ख्याल से रिसाइकल बिन बोला था उन्होंने। वो कल की कंप्यूटर क्लास का पिन है, मतलब ये नर्सिंग क्लास है, ये हीमोग्लोबिन है। क्या मतलब? मतलब अपने ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाए तो तकलीफ होने लगती है, यही बात गांव वालों को समझाने के लिए हमें सिखा रहे हैं। और इसे देखो, रिसाइकल बिन और हीमोग्लोबिन को लेकर कंफ्यूज हो रही है, पता नहीं इसका ध्यान कहाँ रहता है। हाँ अर्जुन आ रहा है, तुम सब जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है ना, अब हमारी क्या जरूरत है, उसके आते ही हमें भूल जाती है। क्या हुआ मैडम? हाय। आजकल बहुत समाज सेवा चल रही है, गांव में तो सिर्फ तुम्हारे ही चर्चे हैं। हाँ? क्या हुआ मैडम? तो क्या हुआ, वो कहते हैं ना, जैसा पति होता है पत्नी भी वैसी होती है। आई लव यू गायत्री, आई लव यू। कुल मिलाकर 18,000 बार आई लव यू बोल चुके हो, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, तुम आई लव यू बोलोगी या नहीं? हमारे रिश्ते में आई लव यू बोलना जरूरी है क्या? ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बार तो नहीं बोलूंगी। कहा ना नहीं बोलूंगी। नो मतलब नो, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी बाबा।
बाइक की आवाज आ रही है, लगता है तुम्हारा भाई आ रहा है। आ जाओ जाओ जाओ, इधर इधर यहाँ पे। कैसा लग रहा है? सेवा तो अच्छी तरह कर रहे हो ना? हाँ भैया। और भी कुछ मदद करते हो क्या? नहीं भैया, वैसे हर 3 महीने में एक बार रक्तदान करने के लिए चला आता हूँ यहाँ। अरे वाह, इस उम्र में सोशल वर्क करते हो, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। ऐसे ही काम करते रहना। हम जो खून देते हैं ना, उससे बहुत लोगों की जान बचती है। और भी कुछ जरूरत हो तो बता दीजिएगा। हम सबको ऐसे कामों के लिए आगे आना चाहिए। सही कहा ना? हमने तो ऑर्गन डोनेशन कर रखा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बुलाए तो हम उनके पास अपनी तरफ से जाकर कहते हैं कि हमारा खून बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे घर वाले हमें बोलते हैं कि हम बेकार हैं। अरे जो ना समझ है वो तो ऐसी ही बात करेंगे ना। थोड़े पढ़े लिखे होते तो ऐसी बातें समझ पाते। अगर जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़े तो आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपकी सहायता करूँगा। ठीक है ना? नमस्ते। 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 अरे रे, आई आई है, लगता है बहुत दूर से आ रहे हैं। सही बोला आपने। आइए आइए बैठिए। धन्यवाद। अरे भैया आप कैसे हैं? एकदम। घर में सब ठीक है ना? हाँ सभी अच्छे हैं, तुम कैसी हो? हाँ मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा ठीक है। भाभी कैसी है? भैया क्या होगा, वो भी अच्छी है। अच्छा आप लोग बातें करिए। ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं? अपनी चंद्रा के लड़के के लिए कोई रिश्ता मांगने आने वाला है, इसीलिए उनसे मिलने गया था। हाँ। बहुत अच्छा रिश्ता है, पक्का हो जाए तो खुशी होगी। बहुत खुशी की बात है। दामाद जी के परिवार के बारे में पता की? पता कर लिया, सब बहुत अच्छे हैं। शकुंतला, शकुंतला। हाँ हाँ आ रही हूँ बाबा। और बताइए काम धाम कैसा चल रहा है? स्वामी अय्यप्पन के बगीचे से एक लोट पेड़ आया हुआ है, आदमियों की पगार वगैरह सब हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। शकुंतला, शकुंतला। अच्छा अर्जुन नहीं है क्या? कहीं दोस्तों के पास गया होगा। आज कल के लड़के घर में थोड़े ही बता के आते जाते हैं, बाइक निकालते हैं और कहाँ जाते हैं कुछ पता भी नहीं चलता। सेल फोन हाथ में लेके घूमते रहते हैं, दिन भर आवारा गर्दी। बस जमाना इतना बदल रहा है, इन लड़कों का पता नहीं क्या होगा, सोच कर डर लगता। अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए। पिछले हफ्ते जांच के लिए शहर गया था, वहाँ के डॉक्टरों ने मेरी बहुत अच्छी तरह देखभाल की। मैं सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, तभी एक औरत आई और मेरे पैर पकड़ ली। हा? कारण पूछने पर उस औरत ने बताया उसके पति को बहुत ज्यादा चोट लगी थी और हमारे बच्चों ने ले जाकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। अगर हमारे बच्चे वहाँ नहीं होते तो उसके बच्चे अनाथ हो जाते थे। मुझे अपने बच्चों पर गर्व है। आपसे जब भी मिलता हूँ मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। भगवान से दुआ करता हूँ कि ये खुशी हमेशा बरकरार रहे। इसीलिए उनके बारे में गलत नहीं बोलूंगा, वो लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं। जी जैसा आप कहें, लड़कों की चिंता दूर हो गई, मन बहुत हल्का हो गया। अच्छा, अच्छा चलता हूँ। अब बच के कहाँ जाएगा? मारो इसे, जान से मार दो इसे। छोड़ दो मुझे, जाने दो, जाने दो, छोड़ दो, गलती आ गई, छोड़ दो।
तुझे गांव के लोगों की बहुत चिंता है ना, जब तू ही समझेगा तो उनकी चिंता कौन करेगा? हाँ? कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, छोड़ दो मुझे। हे, क्या हुआ? सर, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ सर, न्यूज़पेपर में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जंग में शहीद हुए परिवारों को गोद लेंगे ऐसा वादा किया था उन्होंने, वैसे ही मैंने भी एक परिवार को गोद लिया था सर, और ये लोग उनके नाम की जगह और घर को धमकाकर छीनने की कोशिश कर रहे हैं सर, मैंने विरोध किया तो ये लोग मुझे मारना चाहते हैं सर। hey, देश के लिए लड़के को जन्म देकर एक लड़के को गोद लेने के लिए आया तो क्या बे, देश को बचाने के लिए वो मर गया? अगर वो परिवार को बचाना चाहता है तो तुम इसे ही मार दोगे? हीरो बनता है तू? हीरो बन रहा है? रवि निकाल हीरोगिरी। वो उस तरफ गया होगा। हाँ, चलो हाँ, चलो आ जाओ। देर कैसे हो गई? खाना खा लीजिए। नहीं, भूख नहीं है। आते समय पांडियन के घर गया था, उन्होंने कॉफी पिला दी, उससे भूख मर गई। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर में भूख लगेगी तो खाऊंगा। क्या आप भी पेट भर गया मन भर गया बोल रहे हैं? आज जब पांडियन के घर में मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, मैंने बताया कि मेरा लड़का बहुत ही गैर जिम्मेदार हो गया है, तो उन्होंने कहा कि लड़के को लेकर इतना परेशान मत हुआ करो, वो लोग रक्त दान करके लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीबों की सेवा भी कर रहे हैं। जब से ये बात सुनी है मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। पांडियन के लड़के अर्जुन को जानती हो ना, उसके साथ रहकर बाकी लड़के भी बहुत जिम्मेदार हो गए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तुम जानती हो अर्जुन के पिता पांडियन और उसकी माँ ने उसकी कितनी अच्छी परवरिश की है। ठीक कहा आपने, अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है। भैया ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, उनकी बात 100% सच है। अर्जुन की परवरिश भैया ने बहुत अच्छे से की है, आप भी डर रहे हैं। उनका लड़का तो लाखों में एक है, इतना ही नहीं वो सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी करता है, खुद भी अच्छा काम करता है और लोगों को भी अच्छे काम करने के लिए कहता है। गायत्री, तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। अकेले ही तो हूँ, बोलो जो बोलना है। आई लव यू। मजाक कर रहे हो क्या? मैं और अर्जुन एक दूसरे से प्यार करते, तुम्हें पता है ना? मुझे पता नहीं था। लड़का लड़की आपस में बात कर ले तो भी बात फैल जाती है, तुम्हें अब तक नहीं पता? नहीं, ये सब अर्जुन को मत बताना, नहीं तो उसे दुख होगा। सॉरी गायत्री। ओके, कोई बात नहीं। फोन क्यों कर रही है? हेलो हेलो अर्जुन, मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जल्दी आ जाओ, ठीक है? अगर प्यार किया है तो फिर इनकी बातें सुननी ही पड़ेगी। अच्छा।
निकालते हो? चलो आओ ना, मुझे बात करनी है। क्या हुआ बताओ तो सही। चलो तो पहले। हे, क्या बात है बताओ। बताती हूँ बाबा। बोलो ना गायत्री। ओके बताती हूँ। तुम हमेशा एक बात कहने को कहते हो ना, वो मैं क्या किस दे रही हो क्या? छे, तो बताओ ना क्या बात है। I love you. ठीक है। I love you. क्लास में गर्ल्स को ना ज्यादा मोटा या पतला होना चाहिए ऐसा क्यों बोल रहे थे? ए, तुझे पता है क्या, ज्यादा मोटे या पतले होने से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है ना, इसीलिए कहा। इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती है। ए, सुनो ना, मुझे भी तकलीफ होगी क्या? हाँ हाँ निकालना यार। ए, फिल्म देखने जाना है बोलकर बेवकूफ बना रहे हो। अरे आज जरूर जाएंगे यार। हाँ जरूर जाएंगे। यही बात कल भी तुम लोगों ने कही थी। सही है ना? क्या सही है? जल्दी आइए, मतलब गायत्री। जब देखो इसका यही काम है। कह रहे हो। क्या रे? ए! क्या रे? बिना बोले कहाँ जा रहा है? हाँ यार। पता नहीं यार कहाँ जा रहा है। आज फैसला होकर रहेगा। चलो 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 यार, जल्दी बैठो। हाँ बैठ। रुक, इससे ज्यादा भगाने बोलोगे ना तो गाड़ी के बिना जाना पड़ेगा, समझे? रुक। ए, कहाँ जा रहा है? ए, क्या है यार, सब मिलके मुझे रोक क्यों रहे हो? बात क्या है? ए, तू हमेशा बताकर जाता है ना, तो आज बिना बताए क्यों जा रहा है? सही है ना? नहीं यार, तुम्हें पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ। देख, हमेशा सही है बोलता रहता है, और ये हमेशा सेल्फी गुल्फी करता रहता है, और उससे भी ज्यादा जरा इसका चेहरा देख। हे, क्या हुआ यार तुझे? आखिर तू सबके ऊपर इतना चिल्ला क्यों रहा है? किसकी शक्ल देखी है तूने सुबह? कहाँ जा रहा है पहले ये बता। क्यों बे, मैं जहाँ जाता हूँ तुम्हें पता नहीं है क्या? गायत्री से मिलने जा रहा हूँ यार। मैं गायत्री से प्यार करता हूँ, तुम लोग जानते हो ना? जानते हो या नहीं जानते? इसे भरोसा करने के लिए बोल रहे हो तुम लोग? लव कर रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ यार। हम भरोसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। तुम लोग भरोसा कर रहे हो क्या? नहीं, कर रहे। hey, तुम लोग भरोसा करो या ना करो, मैं तो वहीं जा रहा हूँ। किस लिए? तू लॉलीपॉप और चॉकलेट देगा क्या? तो अब मैं क्या करूँ यार, जिससे कि तुम लोग को भरोसा हो जाए? सीधा जाकर गायत्री को किस करेगा? मजा आएगा यार आज तो बहुत। पहले जाकर दे, हम रिएक्शन देखकर कंफर्म करेंगे। अगर ये सब सच है तो तुम लोगों के लिए हम जान भी दे देंगे। तुम लोग क्या कह रहे हो? सही है, बिल्कुल सही। ठीक है। अरे तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? नहीं यार, तेरी बाइक लेके आ गए, इसलिए तुझे बताने आ रहे थे, उससे पहले तू ही आ गया। चल बैठ जा। आजा बैठ। हाँ ठीक है। मां जी, ये आपके लिए लाया हूँ, और ये लीजिए। और भी कुछ जरूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं लाकर दूंगा। दादाजी संभाल के आइए आइए। हेलो सर। क्या बात है भाई? भाई मैंने तुमको वहाँ रक्तदान शिविर में देखा था, और वृद्धाश्रम में पहुँचाने के लिए आया था। अच्छी बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? डॉक्टर को दिखाया है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है सर। तुम्हारी सेवा भावना देखकर मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, ऐसे ही काम करते रहना। नमस्ते। ठीक है जाइए। भैया, अरे पापा छोटे साहब, आप साहब बैंक गए, अभी आ जाएंगे। ठीक है भैया, पापा का वेट कर लेते हैं ना, थोड़ा उनके आने के बाद चले जाएंगे, क्या बोलते हो? ठीक है, थोड़ा रुक कर साथ ले जाएंगे। ठीक है, ऑफिस में वेट कर, यहीं वेट कर लेते हैं।
क्या रे, क्या चाहिए? गाड़ी की चाबी चाहिए। किधर जा रहे हो? पिताजी जरूरी काम से बाहर जा रहे हो। हाँ हाँ, कलेक्टर को देखने कलेक्टर ऑफिस जा रहे हो? गांव घूमने के लिए गाड़ी की जरूरत क्या है? ठीक है ठीक है, चाबी दे दो ना। हाँ देखो, संभल कर जाना। चल चलते। ए गाड़ी धीरे चलाना। ए वो सारा माल लोड कर दिया ना? सब कर दिया। और कल जो आया था वो पेड़? उसे भी भेज दिया। भेज दिया, ठीक है काम करो। अच्छा देखते हैं। ए, क्या तुम हट रहे? ओ क्या रे गद्दार। अरे सुन तो। अरे क्या कर रहे? अरे सुन ना यार, क्या कर रहे हैं मेरे साथ? चल तू, चल चुप। भैया मेरी बात सुनिए, छोड़िए। चल अर्जुन। क्या रे हीरो, मैं कोई कॉमेडियन हूँ क्या? अब तू मेरा खेल देख। अरे तुम्हें पता है पांडियन का लड़का और सिंगाराम की बेटी में कुछ चल रहा है? ऐसा है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। आजकल के बच्चे भी। यही सब करने के लिए तुझे बाहर भेजते हैं ना? क्यों रे, क्या हुआ? माँ आप तो बीच में बोलो ही मत, आपको पता है इसने क्या किया है उस गद्दार के साथ बैठकर? ये देख कितनी चर्बी है, देख पैर तोड़ के घर पे बिठा दूंगा। क्यों, क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मेरे पैर क्यों तोड़ेंगे भैया आप? देखा कैसे मुझे सामने जवाब दे रही है, देखो माँ। यहाँ क्या हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? कुछ पता नहीं जी, ये एक तरफ से चिल्ला रहा है और ये एक तरफ से चिल्ला रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसको उधर ही मार डालना चाहिए था। उसे क्यों मारेंगे, उसकी क्या गलती है? ए, थोड़ी देर शांत रह, जो भी कुछ है मैं देख लूंगा। देख तो मुझे लेना चाहिए था इन दोनों को, वही उसी समय देख लेना, जान से मार डालूंगा तुम दोनों। क्यों भाई, सिंगारम की बेटी और तुम्हारे बेटे के बीच में चक्कर चल रहा है सुना है? अरे अपने बेटे को समझाओ।
स्थिति में नहीं हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं भी आपसे बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। जवान लड़के हैं, काटने और मारने की बातें करते हैं, ऐसा कुछ हो न जाए इसीलिए आया हूँ। अपने बाप दादा तीन पीढ़ी से जात धर्म देखे बिना मिलजुल कर जी रहे हैं, अपने लड़कों की वजह से इन रिश्तों में कोई दरार न आ जाए, इसी बात से डर के मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं। मैं जानता हूँ मुझसे ज्यादा दुख आपको हुआ होगा, इसमें हमारी भी गलती है, दया करके माफ कर दीजिए। आपसे माफी मंगवाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था और उसके लिए मैं यहाँ आया भी नहीं हूँ। इसके लिए मुझसे जो भी होगा, नहीं नहीं, हम सब मिलकर कुछ करेंगे और इस समस्या का हल निकालेंगे। अर्जुन कहाँ है? ऊपर है। मुझे लगता था तुम गलत काम नहीं करोगे, लेकिन तुमसे गलती हुई इसी से मैं डरा हुआ हूँ। और पिताओं की तरह मैं प्यार का दुश्मन नहीं हूँ। मैं ये भी नहीं कहता प्यार गलत है, सालों से हम परिवार की तरह हैं, लेकिन आज मुझे डर लग रहा है कि तुम्हारी वजह से दरार पैदा ना हो। हम सब मिलकर इसका हल निकालेंगे, मेरी इतनी बात तो मानोगे ना? खाना लगाओ, आओ बेटा खाना खाते हैं। क्या देख रहा है रे उसको तू? अर्जुन अगर इससे प्यार करता तो
अकेला कोई है कहाँ। रंगों से बने सुंदर फूल यहाँ, वैसे तेरे छूने से मेरा तन खिला। गोरिये गोरिये शौर्य मेरा है जो मिला तेरे रंग रूप से, सबसे जुदा है ये इश्क रे, तेरा मेरा इश्क सबसे जुदा। मैं कॉल कर रहा हूं, तुम रखो। मैं कर रहा हूं ना, तुम रखो रखो। ये यहां क्यों खड़ा है? सिक्योरिटी का काम शुरू कर दिया क्या? अर्जुन आ रहा है, देखना रामू नहीं रुकेगा। मुझे भरोसा नहीं। क्या बात कर रहा है तू? सच कह रहा हूँ, देखना। ऐसा थोड़ी होता है यार। ये देखो आ गया अर्जुन। देखा, मैंने कहा था ना कि रामू हमें देख कभी नहीं रुकेगा। क्या हो रहा है ये? इन दोनों को हो क्या गया? एक रुका ही नहीं, एक रुक के चला गया। पता नहीं क्या बात है, हम इतने छुप छुप के क्यों जा रहे हैं? तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है? ये छुपने का कारण तुम्हारा भाई है। नहीं समझी। समझी नहीं, सीआईडी की तरह फॉलो करता जा रहा है वो मुझे। अगर मुझे करेक्ट टाइम पे आना होगा तो तेरे भाई को रास्ते से हटाना होगा। ए, ए। ए, मजाक कर रहा हूँ यार, टेंशन क्यों ले रही हो? अरे टेंशन मत लो यार, मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे भाई को। अब तो चुप हो जाओ, मैंने मजाक किया था यार। प्यार से बात की तो मुझे कॉमेडियन बना के रख दिया। मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, विलन हूँ मैं। उसे पता नहीं है, अर्जुन को इस्तेमाल करके गायत्री का अपमान करने का सोचा, पर ये हुआ नहीं। इसलिए अर्जुन और रामू के बीच में दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की, पर वो भी नहीं हुआ। अब एक प्लान बनाया है, वो जरूर कामयाब होगा। साला का तार। ओके यार, ओके रे, देखते हैं, बाद में फिर कॉल करूंगा।
आजा। यहाँ कैसे उदास क्यों बैठा है? ऐसे गायत्री आ रही है ना। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सुनो अच्छा। मुझे जरा रोड तक जाकर आना है, मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम है, 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा, जरा गाड़ी देना। ये ले, जरा जल्दी आना। हाँ, आ जाऊंगा आ जाऊंगा, मुझे जाना है, लेट मत होना। ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा। इतनी देर क्यों हो गई? हे क्या हुआ इसे? कुछ नहीं यार। क्या हुआ बताना। थोड़ी सी गलती हो गई, गाड़ी से जा रहा था, अपना रामू बीच में आ गया। क्या कहा, रामू बीच में आ गया? उसे लगी तो नहीं? हाँ यार। कहाँ है अभी वो? उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। तू पुलिस स्टेशन चला जा, गाड़ी के साथ चला जाना। नहीं, पहले मैं उसे जाके देखूंगा। मैं जो बोल रहा हूँ सुन ले, मैंने शराब पी हुई है। अगर कोई दिक्कत हो गई तो? कोई परेशानी नहीं होगी, मैं बोल रहा हूँ ना सुन। तू बस इतना करिए, गाड़ी लेके पुलिस स्टेशन चला जा। पहले मैं उसे देखूंगा। मेरी बात, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। अरे मैं, अरे कैसे चला जाऊंगा, ऐसे कैसे चला जाऊंगा? तू इतना भी नहीं कर सकता, पुलिस स्टेशन चला जाना। पुलिस स्टेशन जा, तू पुलिस स्टेशन जाएगा, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, रामू के पास रहूंगा, वहां से वकील लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है? ओके, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ यार, बहुत परेशान लग रहा है? अपने रामू को अर्जुन ने बाइक से टक्कर मार दी। ये कब हुआ यार? अभी मारी है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। मेरे फ्रेंड से एक एक्सीडेंट हो गया सर, हॉस्पिटल में एडमिट किया सर, इन्फॉर्म करने आया हूँ। जाकर साहब से मिलो। नमस्ते सर। हाँ? मेरे फ्रेंड रामू का मेरी बाइक से एक्सीडेंट हो गया। हाँ? क्या हुआ था? ब्रेक नहीं लगा पाया। क्या कहा? गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है, इसलिए आपको इन्फॉर्म करने आया हूँ। ए भास्कर। हाँ सर। ये स्टेटमेंट लिखवाने की बात कर रहा है, फॉलो करो इसे। ओके ओके सर, बैठो। अरे सुनो। हाँ सर। पेपर और पेन दो। जी सर, ले लीजिए। अरे मुझे नहीं, इनको दो। हाँ, हाँ। जो भी हुआ सब डिटेल में लिख कर दे दो। ओके सर। क्या रे, तुझे पता है ना झगड़ा करना गलत बात है? वाइन शॉप के इधर ही तू दारू पी रहा है और वो दुकान बंद करने के लिए झगड़ा कर रहा है। गलती से हो गया सर, आगे से नहीं करूंगा। अगली बार किया ना छोड़ूंगा नहीं। दो, छोड़ दो सर। कौन सा हॉस्पिटल? जीएच सर। हेलो। हाँ बोलिए। जीएच है क्या? हाँ जी। मैं राइटर भास्कर बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। उसका नाम क्या है? राम सर। हाँ ठीक है, राम। हाँ राम। हाँ राम क्या? राजेश सर मैं नहीं है सर, देख के कॉल करो। ओके सर, देख के मुझे कॉल करो सर। ओके ओके ओके, मैं कॉल करता हूँ सर। हेलो। हाँ सर, आते वक्त ही मर गया था सर। ऐसा क्या? रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दो आप, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है साहब। सर स्टेशन से किसी को भेजेंगे तो देखकर जा सकते। सारे पेपर रेडी करो। ओके। भाई थोड़ा उधर जाकर बैठो। क्या हुआ सर, बात क्या? जाके बैठो।
अर्जुन ने ही मारा है ऐसा गांव वाले बोल रहे हैं। रो मत गायत्री, मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने क्या पाप किया था? मेरा बेटा चला गया, मुझे छोड़ के चला गया। दीदी, इतना अर्जेंट फोन करके क्यों बुलाया? डरो मत, तुम लोग अंदर आओ। ए, चलो रे। अरे खाली खाली, दीदी दीदी क्या हो गया इसे? मुझे भी ये सब नहीं पता। मैं ड्यूटी से आ रही थी तब मैंने देखा, एक पेशेंट को देखकर ही आ रही थी तब मैंने इसे देखा, बेहोश था। जो नाइट ड्यूटी में था मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि बाईपास रोड में पड़ा हुआ था, किसी अनजान ने लाकर यहाँ पर दाखिल करवा दिया। उसके बाद मैंने तुम्हें फोन करके यहाँ बुला लिया। डॉक्टर ने क्या कहा? अभी ये कैसा है? देखो, ये अभी अनकॉन्शियस है, 48 घंटे के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं, ऐसा डॉक्टर कह रहे थे। दीदी, और फीस वगैरह? यहाँ पर सब कुछ फ्री है, मैं ही हूँ, देख लूंगी। आपको जब भी टाइम मिलेगा यहाँ पर आके इसे देख जाना। राम का मैटर सुना है मैंने, अर्जुन कहाँ है? वो पुलिस स्टेशन में है, किसी तरह उसे जमानत पे निकाल लूंगा। हाँ, उसी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है भैया। आप इसका ख्याल रखें। सुनना, मुझे पुलिस वालों से डर लगता है। धनुष को लेके जाना, पुलिस स्टेशन जाकर देखना। अरे मैं हूं ना, चलो। क्या यार, ए, कौन हो तुम लोग? अर्जुन को देखना। हाँ, मिलकर जल्दी आ जाना। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी? सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, दो प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। क्या हुआ यार, क्या बात है? बहुत दुख हो रहा है यार। तू उदास मत हो, मैं तुझे जमानत दिलवा के रहूंगा। मैंने वकील से बात कर लिया, पता है उसने क्या कहा? वो तुम्हें जमानत दिलवा सकता है। कोई टेंशन की तो बात नहीं है ना? तू दुखी मत हो यार। अरे तुम लोग आओ ना, कब से मिलने की बात कर रहे थे। लगता है ये डर रहे हैं।
मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकाल लूंगा। हे, मिल गया क्या? आ जाओ इधर, टाइम हो गया, चलो जल्दी आओ। चलता हूँ, ध्यान रखना। हाँ चले हम लोग। हाँ चलते हैं यार, चल चलो जल्दी चलो। बैठो। कोई बात नहीं पापा। ये उसने क्या कर दिया? मैं उस पर कितना भरोसा करता था, और एक सेकंड में ही उसने सब खत्म कर दिया। लोगों ने बोला वो गलत है, पर मैं नहीं माना। पापा, अर्जुन पे आपको भरोसा नहीं है, पर मुझे है। आप वकील से बात कीजिए, उसे जमानत दिलवानी है। इतना सब होने के बाद भी तू उस पर भरोसा करने को कह रहा? कुछ भी हो जाए मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा। अर्जुन पे कोई भरोसा करे ना करे, लेकिन मैं करता हूँ। मैं वकील से बात करके उसे जमानत दिलवाऊंगा, फिर आपसे मिलता हूँ। सॉरी पापा। क्या यार इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? अर्जुन के घर गया था रे, उसके पापा को उस पे भरोसा नहीं है। मैंने जमानत की बात की तो कुछ काई नहीं, चुप रह गए। मैं तो परेशान होकर वापस आ गया। तो अब तू क्या करने वाला है? सर, सेदु बात कर रहा हूं सर। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज सर। अर्जुन का तो आपको पता होगा, उसे जमानत दिलवानी है सर। ओके सर। हाँ ओके सर, ओके ओके सर, थैंक यू सर। सुपर यार, ये तो बहुत अच्छा होगा। वकील से बात हो गई है, सुबह जाकर उनसे मिलूंगा, जमानत दिलवाकर अर्जुन को साथ लाऊंगा। ओके ना? ओके यार। अर्जुन के बारे में सोच रही हो ना? वो बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ भरोसा करो। भरोसा नहीं कर पा रही हूँ, और भरोसा के बिना रहा भी नहीं जा रहा। तुम घर जाओ गायत्री। यहाँ देखो, मैंने वकील से बात कर ली है, जल्दी से जल्दी अर्जुन को जमानत दिलवा दूंगा, तब पता चलेगा तुम्हें उसके बारे में। ठीक है, अब ज्यादा सोचो मत। समझ गई ना? अब तुम घर जाओ। जल्दी क्या, वो इस जन्म में कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। नमस्ते। नमस्ते सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी जान गई, ऐसा रिपोर्ट में लिखा है। आप कहेंगे तो एक्सीडेंट कहकर केस फॉरवर्ड कर देंगे जी? ठीक है जी। नहीं, आप कुछ और कह रहे हैं, और गांव वालों का कहना तो कुछ और ही है, ऐसा क्यों? कुछ पता नहीं सर। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जो भी कुछ है खुलकर बताइए, डरिए मत। कोई दुश्मनी, प्यार में धोखा, जो कुछ भी हो बिना डरे बोलिए। अर्जुन आपकी बेटी से प्यार करता था, उसका अपमान हुआ, इसलिए उसने योजना बनाकर हत्या की, ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। हाँ सर, अर्जुन ने मेरे सामने उसे रास्ते से हटाने की बात की थी। वो इतना सीरियसली बोल रहा है, ये मुझे नहीं तेरे पता। भाई को रास्ते से हटाना होगा। ए! We'll be right back.
आ रहा है यार तू? खाली को देखने हॉस्पिटल गया था, जरा सा भी सुधार नहीं है। अर्जुन ने रामू का खून किया है ऐसा जजमेंट आया है, अब क्या करेंगे? हमें अर्जुन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। मैं और गायत्री सोच रहे थे कि किसी न किसी तरह अर्जुन बाहर आ जाएगा, पर ऐसा होगा ये सोचा नहीं था। अब ये सोचकर मन दुखी हो जाता है कि उसके बिना गायत्री की जिंदगी कैसे कटेगी। कुछ तो करना पड़ेगा यार, तू जाके गायत्री से बात क्यों नहीं करता? ऐसे हालात में मैं उससे कैसे बात कर सकता हूँ यार? ए, तू एक बार गायत्री से मिलकर उससे बात तो कर। ठीक कहा तूने, मिलकर बात करनी पड़ेगी, जरूर इसका कोई ना कोई हल होगा। लेकिन उससे मिलने से अच्छा मैं उसके पापा से मिलूं, यही ठीक रहेगा। नमस्ते डॉक्टर, पेशेंट को देखा आपने? ठीक है, बेहोश नहीं है, कोमा में चला गया। ठीक है डॉक्टर, कोमा से बाहर निकलने का कोई चांस है? मे बी चांस है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। ओके ओके, लेकिन वो ऐसे कितने दिन रहेगा पता नहीं। ठीक है सर, और कुछ नहीं कर सकते क्या? हमसे जितना होगा हम उतना करेंगे, उसके ऊपर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, हमारे ही गाँव का लड़का है, मैं देखूंगी उसे। ये बात है, ओके ओके। ठीक है सर, मैं चलती हूँ, धन्यवाद सर। खाली, खाली, तेरे फ्रेंड्स आए थे तुझे देखने के लिए। ठीक है, कुछ नहीं होगा। खाली, ए खाली, ये तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। क्या यार तू भी? खाली, खाली, तो समझ में नहीं आ रहा है यार, पता नहीं ये पूरी तरह से कब ठीक होगा। खाली, 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 आखिर ये कब ठीक होगा? खुद भी पता नहीं चल रहा है। पता नहीं यार, क्या हुआ होगा इसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। हाँ? चलो दीदी से पूछते हैं डॉक्टर ने क्या कहा। चलकर हाँ, पूछे। चलो हाँ, पूछते हैं। ठीक है, चलते हैं। आओ सिद्धु। पापा, बाहर सब पूछा, बुरा काम होने के एक साल के अंदर ही अंदर कहा जाता है कि उस घर में एक शुभ कार्य भी होना चाहिए। हाँ बेटा, मुझे भी पता है। आप चिंता मत कीजिए पापा, कोई भी काम हो तो बेहिचक कहिएगा। ठीक है सिद्धु, राम की जगह हमेशा मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। ठीक है पापा, मैं गायत्री के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ। धन्यवाद बेटा। आप कोई चिंता मत कीजिएगा पापा, आप हाँ बोले तो मैं लड़के को आपके पास भेज। शंकर से भी इस बारे में बात हुई थी,
मैं राम की जगह खड़े होकर उसके सारे फर्ज निभाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा उचित। ठीक है पापा। मीनाक्षी, गलत मत समझना, राम के जाने के बाद एक साल के अंदर घर में कोई अच्छा काम होना चाहिए, सब लोग ऐसा बोल रहे हैं। शंकर ने भी यही बात कही, सेधु आज मिला था वो भी यही कह रहा था। देखो, मैंने बिना तुमसे पूछे गायत्री की शादी का फैसला कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात को गलत नहीं समझोगे मीनाक्षी। गायत्री के मन में क्या है मैंने ये बात भी जानने की कोशिश नहीं की। पापा, अब बोलो बेटी। अब आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी पापा। गायत्री कैसी है यार? मम्मी पापा फ्रेंड सबको छोड़कर इसे बस गायत्री चाहिए, गायत्री। hey, साधु, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ ना, गायत्री कैसी है? हाँ ठीक है ठीक है। तू बात कैसे कर रहा है? मैंने तुझे कुछ भी करके जमानत दिलवा दी होती, लेकिन उसने कह दिया कि राम को तुमने मारा है, इसी वजह से तुम एक साधारण कैदी से उम्र कैदी बन गए हो। इसके बाद भी तुम हमेशा उसी की बात करते। वो सच मान ली होगी, मैंने उसे गुस्से में बोल दिया था, पता नहीं कैसे उसने सच मान लिया। उसे तुम पर भरोसा नहीं है क्या? साधु, उसका अच्छे से ख्याल रखना यार, राम भी नहीं है, उसके परिवार वाले अकेले हो गए होंगे, उसका ख्याल रखना यार। मुझे पहले से ही पता था कि तू यही बात करेगा, इसलिए आने से पहले गायत्री से मिलकर उसे समझा के आया हूं। किसी तरह तुम्हें जमानत दिलवाऊंगा, तब जाके उन्हें असली बात का पता चलेगा। मम्मी पापा कैसे हैं? पापा को भी तुम पे भरोसा नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? हे, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये सोच के तू परेशान मत हो। मेरे पापा को भी मुझ पे भरोसा नहीं, और गायत्री को भी, यही सोच के थोड़ा परेशान है। सॉरी यार, तू ये सब सोचकर परेशान मत हो, मैं तुम्हें जमानत दिलवा कर रहूंगा, ठीक है ना? हे, तू अपना ख्याल रखना, मेरी चिंता मत कर, मम्मी पापा का ख्याल रखना, मेरे आने तक गायत्री को संभालना। मैं सब संभाल लूंगा, तू बाहर मत निकलना बस।
आओ भाई। हाँ बोलिए। तुमसे एक बात करनी थी। क्या बात है? बात ये है, जहाँ मैं कहूँगा चुपचाप जाना, लड़की को देखना और बिना पसंद किए आ जाना। और पैसा? ये लो, पकड़ो पैसे। ओके, डन। काम खत्म करके, ओके? ओके, बाय। बाय। क्या हुआ तुझे? यहाँ क्यों बैठा है? ए, ऐसे क्या देख रहे हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसके पापा ने लड़के के लिए बोला तो जिसे जानता था उसे ले गया। हमें अर्जुन को इस सब के बारे में बताना चाहिए। ए, दिमाग खराब है तेरा? ये सब बातें बताई नहीं जाती। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है रे, गायत्री बहुत फील करेगी ना। तो फिर गायत्री से मिलकर वो सब बता देना चाहिए था ना। इसका दिमाग बहुत तेज चलता है, तोड़ना पड़ेगा इसे। मैंने सोचा सामने से जाऊंगा तो ये पकड़ लेगा, इसीलिए पीछे से आ रहा हूँ, लेकिन ये तो यहाँ भी आ गया। अब जो भी होगा देखा जाएगा। रुक जाओ। क्या बात है भाई? ए, तुझसे कहा था लड़की को पसंद मत करना और तुम लड़की के लिए हाँ करके घर के पिछवाड़े से जा रहे हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाई। वो सब ठीक है, लड़की पसंद नहीं है, मैं नालायक हूँ ये कहने का पैसा दिया था ना। आपको क्या तकलीफ है? पैसा मैंने दिया। ऐसा ही ना, मैं दे दूंगा। इतना शरीफ है क्या तू? तेरी नहीं भाई, माफ कर दो। कि लड़का देखने की बात अर्जुन को ना बताएं। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम लोगों को जो करना है वही करो। उसे मालूम चला तो अर्जुन फिर से इमोशनल होकर कोई गलती ना कर दे, इसी वजह से कहा।
तुम्हारे कहने पर वो मान जाएंगे। प्लीज देखो, ये मेरी जिंदगी है, इस बारे में मुझे किसी से बात नहीं करनी। तुम लोग जाओ, जाके अपने दोस्त को देखो, मैं मना नहीं करूंगी, पर मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। अर्जुन, कैसे हो तुम लोग? सब ठीक है ना? अच्छे हैं हम लोग। क्या हुआ रे? चिंता मत कर। चिंता ही तो है। तुझे जमानत दिलवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तुझे जमानत दिलवा दूंगा, उसके लिए मैं परेशान नहीं हूँ। गायत्री को भी मुझ पर भरोसा नहीं, और मेरे पापा को भी मुझ पर भरोसा नहीं। बस परेशान मत, परेशान। ठीक है यार। अच्छा, तुम्हें यहाँ सब मिल रहा है ना? हाँ, मिल रहा है ना। ठीक है, वो सब छोड़। सेदू, अर्जुन एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। तुम लोगों को तो मुझ पे यकीन है ना? कोर्ट को जो कहना है वो कहने दो, गांव वालों को जो कहना है कहने दो, लेकिन मुझे विश्वास है, मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया। हाँ यार, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं चलता हूँ। चलता हूँ। तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलता? हाँ, मिल रहा है, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ मिल रहा है ना? हाँ, मिल रहा है ना यार। सेधू, सेधू, राम जिंदा रहकर जो इस परिवार के लिए करता, ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा तुम इस परिवार के लिए कर रहे हो। बेटा, एक बात पूछना चाहता हूं सेधू, कहीं और जाकर लड़का ढूंढने से अच्छा है, देखो तुम तो सब कुछ जानते ही हो, तुम ही क्यों नहीं गायत्री से शादी कर लेते हो? किसी अनजान से शादी करेंगे तो वो पता नहीं कैसा होगा, अगर अच्छा नहीं होगा तो गायत्री जीवन भर आंसू बहाएगी। इससे अच्छा है कि उसका हाथ तुम ही थाम लो। मेरी बात मान जा बेटा। मेरे मानने से क्या फर्क पड़ता है? ये परिवार जो फैसला करेगा मैं उसे मान लूंगा, लेकिन क्या गायत्री इसके लिए तैयार होगी? एक बार गायत्री से पूछ लीजिए। गायत्री, तुम जो अर्जुन के बारे में सोच रही हो वो वैसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूं भरोसा करो, अर्जुन को पता चलेगा तो इमोशन में आकर कोई गलती ना कर बैठे इसी वजह से। फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर होगा पापा। भैया, अरे मैं तो क्रिमिनल हूँ, जेल में आना जाना लगा रहता है, लेकिन तुम तो सीधे साधे हो, यहाँ क्या कर रहे हो? चुप रहो, अगर तुम्हें पैसा मिले तो काम कर दोगे ना? पैसे के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अंदर एक आदमी है, उसे खत्म करना। तेरा काम हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, पैसा निकाल, मैं अपने आदमियों से कहूंगा उसका काम तमाम कर देंगे। भरोसा कर सकता हूँ ना, काम हो जाएगा? बोल दिया ना, पहले पैसा निकाल, सब हो जाएगा।
कंफर्म कंफर्म। एक मिनट रुकिए साहब, मैं अभी आता हूँ। क्या रे, क्या बात है? उससे एक जरूरी काम है। बगल के सेल वाले आदमी को जानता है ना? कौन? अरे वही नया कैदी जो खून के इल्जाम में अंदर आया है। उसका काम तमाम करना है। पैसा ले लिया क्या? पैसे की चिंता मत करो, पैसे की चिंता मत करो। क्लाइंट ने कहा है पहले उसे मारो, पैसे मिल जाएंगे। कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। मैं बाहर रहूं या अंदर रहूं, काम कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सब छोड़ दिया, चिंता नहीं, डन, तेरा काम हो जाएगा। समझू ना? डन। हाँ हाँ, कर दूंगा। तुम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता चलना चाहिए। काम कर, पैसा देता हूँ। ओके, तू बिल्कुल चिंता मत कर। आज ही काम खत्म करना है यार, आज ही खत्म कर देते हैं। क्या बात है, यही तो चाहिए भाई था मुझे। तुम्हारा काम हो गया, खुश हो ना? तुमने मुझे खुश कर दिया। एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। अरे कौन सी बात? अरे वो तुम्हारा दोस्त, उसका काम हो गया। दोस्त नहीं, गद्दार बोल। गद्दार? आज मैं तुझे खास बात बताता हूँ। ये क्या है? बड़े से। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, पार्टी तो बनती है। पार्टी चाहिए ना? नाच या गाना? नाच हो तो बहुत अच्छा है, साथ में गाना हो तो और भी अच्छा है। तो अच्छा है। मैंने देखो देसी मुर्गी पकड़ी। को देगी क्या, भुना देगी क्या? हे मछली
घूरती है, कमर में हाथ डालू तो हंसती है। आजा आजा अगर खुद को तू मर्द कहे, मैं हूँ फूल कोई कच्ची कली नहीं, तुझसे प्यार मांगू मैं नहीं इतनी पागल, दौलत दे मुझे मैं उड़ाऊं कहीं। मैंने देखो देसी मुर्गी पकड़ी है, पकड़ी है। अरे कौन है तू ऐसा मुझको कहती है, लाइन मारू तो मुझको घूरती है, कमर में हाथ डालू तो हंसती है। पर मैं यहाँ कैसे आया? रोड पर बेहोश पड़े हुए थे तुम, किसी ने तुम्हें यहाँ पर दाखिल करवाया? तेरे दोस्त अभी यहाँ पर आकर गए हैं, तो ठीक तो है ना? कहाँ जा रहा है? खाली 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 क्या हुआ, खाना खाया नहीं? नहीं यार, अभी तक क्यों नहीं खाया? तो अभी बोल, अभी खा लेते हैं। ठीक है चल खाते हैं। डाल रहे इसके अंदर। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो ये? ऐसा मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना, ये गलत है। ऐसा मत करो, तुम्हें मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा तुम्हें? कैसे हो? हाँ, सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। अर्जुन कहाँ है? वो तो रामू की हत्या के केस में जेल में।
नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। हाँ। बताइए। मैं अर्जुन के केस के सिलसिले में आया हूँ। ये लीजिए सर, देखिए। ओके, इसे रख लो, कल 10 बजे कोर्ट आ जाना। नहीं सर, जो भी है कल सर, बात कर लेंगे। जो भी करना है आज ही करना होगा सर। कल ही उस लड़की की शादी है सर। ठीक है, तो मैं क्या करूं सर? आप ही मेरी मदद कर सकते हैं सर। देखो, लेकिन बहुत कुछ करना पड़ेगा। इमीडिएटली जज से भी बात करनी पड़ेगी। जैसे भी करिए, पर जल्दी करिए सर। बात करके देखता हूं। हाँ। आपके लिए ओके। वो क्या है कि बहुत ऑड टाइम है ना, कोर्ट का टाइम होता तो कोई परेशानी नहीं होती। फिर भी देखता हूं मैं। सर गुड इवनिंग, गुनासेकरण एडवोकेट। एक केस आया है सर, थोड़ा क्रिटिकल है, इमीडिएट जज से बात करनी है सर। हाँ सर, एविडेंस पक्का है सर, हाथ में ही है सर, वीडियो वीडियो में है सर, मैंने देख लिया है। चाहिए तो आप भी देख ले। अभी निकलूंगा तो आधे घंटे में आ जाऊंगा। जी सर, थोड़ा बात करके देखे ना जज से, प्लीज सर। माय हम्बल रिक्वेस्ट सर। ओके सर, मिलता हूं। ठीक है, चलिए जज से। जी सर। ओके, थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। यही है क्लाइंट। हाँ। नमस्ते सर। यही फुटेज है सर, इसमें सारा का सारा एविडेंस। आप जो देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है सर, आप मेरी हेल्प करिए सर। यही है सर। तुम सही टाइम पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
अरे ये तो अर्जुन है यार। अरे हाँ यार, एक खाली ये तो आ गया यार। अर्जुन, तूने इस बारे में हमें एक शब्द भी नहीं बताया। अर्जुन, अगर खाली नहीं होता तो इस बात का हमें पता भी नहीं चलता। अर्जुन, तूने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? क्या बताता यार, कौन यकीन करता? तूने यकीन किया, इसने यकीन किया, कोई मुझ पे यकीन नहीं करता। एक दिन वो मेरे पास आया था, तभी मैंने उससे पूछा तो मुझे पता चला। हे सिद्धू, ये क्या हाल बना रखा है तूने? क्या हुआ तुझे? तेरे साथ क्या हुआ है इसलिए? हे, वो सब कुछ नहीं यार, छोड़ ना। बता ना क्या हुआ? काम गया था रे। अपना प्यार पाने के लिए दोस्त के साथ धोखा किया ना, बहुत दर्द हो रहा था। ऐसी बात नहीं है यार, तुझसे माफी मांगने ही आया हूँ। अगर तू नहीं माना और मुझे माफ नहीं किया तो जीना मुश्किल हो जाएगा, खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। हे सिद्धू, तू यहाँ बैठ। अरे बैठ ना यार। ए बैठ जा रे, वो बोल रहा है ना बैठने के लिए। चल बैठ। अब बता क्या हुआ। ठीक है, तो मैं चलता हूं। तुम्हें देखना था सो देख लिया। वो सब छोड़ना यार, चाहे कुछ भी हो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया। सिद्धू, सजा एक इंसान को ठीक करने के लिए है, खराब करने के लिए नहीं। मेरा कोई अपना है कहां? मैं जा रहा हूँ यार। कैसी बात कर रहा है यार तू? ये सब तू बुरा सपना समझ के भूल जा। प्लीज, हम साथ में ही रहेंगे हमेशा की तरह, ठीक है? जब वो इतने प्यार से बोल रहा है तो मान जाना उसके बाद। ठीक है। बोल रहा हूँ ना उसे, तू चल उसे भूल जा। चल ना, आ जा यार। शिक्षा, चिकित्सा, कमजोर की मदद करना, दिव्य सेवा, ये सब प्रभु का वरदान है और ये तीनों अब यही काम करेंगे।